हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया DTTC कोरियर के बारे में, तो आज भी DTTC कोरियर के बारे में ही बात करेंगे। और आज बात करेंगे DTTC वर्सेस धोनी। धोनी जो एप्लीकेशन है, वहाँ से जो सामान आप खरीद सकते हैं, वहाँ से जो सामान आप ऑर्डर करेंगे वो आएगा कि नहीं आएगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैं आपको धोनी से जो पिछले वीडियो मैंने DTTC कुरियर के बारे में बताया, तो आज मैं दूसरा जो प्रोडक्ट के बारे में भी आपको बताया होगा उस वीडियो में, तो उस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग आज जो थोड़ा बात करेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो। सिलीगुड़ी ब्रांच में ये रुका हुआ था, यहाँ से उसके बाद जो है 11 तारीख को यहाँ पर आके पहुँच गया, जिसका ऑर्डर बुक किया गया था 30 मई को, और ये 11 जून को सिलीगुड़ी ब्रांच DTTC कोरियर के सिलीगुड़ी ब्रांच में आके पहुंच गया। लेकिन ये लोग जो है डिलीवरी नहीं दिया, तो मैं यहाँ पे आपको देख के ट्रांजेक्शन जो यहाँ पे जो अपडेट दिखा रहा है मैं आपको बता रहा हूँ अभी यहाँ पे। उसके बाद 11 तारीख से ना कुछ कोई खबर मेरे पास नहीं आया, ना कॉल आया, ना मैसेज आया, ना कुछ आया। मैं यहाँ पर ट्रैकिंग करके मैं पता चल रहा है कि ये मेरा जो है मेरा सामान जो पड़ा है वो सिलीगुड़ी ब्रांच में पड़ा है, लेकिन ये लोग डिलीवरी नहीं दे रहा था। उसके बाद ये लोग 22 जून को क्या किया, 22 जून को ये लोग रिमार्क में दिखा दिया आउट फॉर डिलीवरी, आउट फॉर डिलीवरी दिखा दिया। उसके बाद 3:03 में ये लोग आउट फॉर डिलीवरी दिखा रहा था। उसके बाद आप देखिए 3:11 पर ये लोग क्या किया, इसको फिर से वही कहानी जो मैंने पहले वाला वीडियो में आपको बताया DTTC कोरियर के बारे में, रिसीवर रिफ्यूसेड डिलीवरी। फिर से वही कहानी यहाँ पर भी हो गया, ना मेरे पास कॉल आया, ना मैसेज आया, ये लोग डिलीवरी क्या देगा कि नहीं देगा, कि आप मुझे आप उसके ब्रांच में जाके पिकअप करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं बताया। वो लोग डिलीवरी देखा, आउट फॉर डिलीवरी दिखा दिया कि सामान आपका जो है निकल गया, रास्ते में है, और इसको 3:03 पे यहाँ पे आउट फॉर डिलीवरी दिखा रहा है। उसके बाद 3:11 में रिसीवर रिफ्यूसेड डिलीवरी ये लोग लिख के छोड़ दिया। और उसके बाद 24 तारीख को ये लोग किया गया, 24 तारीख को RTO लगा दिया, जो रिटर्न होगा ऑफिस में जहाँ से ये सामान आने वाला है, अभी तक जो है ये उधर ही पड़ा है। तो दोस्तों मैं और एक प्रोडक्ट के बारे में, मैंने दो प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया था, तो मैं दूसरा प्रोडक्ट के बारे में भी आपको बता देता हूँ। दूसरा प्रोडक्ट मेरा जो है ये एक हॉर्लिक क्लासिक मल्टी रिफिल पाउडर 500 ग्राम का एक पैक था, जो पैक था, और पहले वाला सामान भी मेरा पेड ही था, वो ऑलरेडी पेड किया हुआ था, प्रीपेड था, मैंने पैसा सब दे दिया उसका, लेकिन वो लोग क्या क्या डिलीवरी नहीं हो पाया मेरा, तीन सामान का अभी तक डिलीवरी नहीं हो पाया, तीनों की तीनों रिटर्न हो गया, और एक मैंने कैंसिल कर दिया, इसीलिए कैंसिल कर दिया कि बहुत लेट कर रहा था, जिसको मैं आप सब स्क्रीन में आपको दिखा दूंगा कि कितना तारीख को बुक किया गया था और कितना तारीख में इस ये लोग को देना चाहिए था, लेकिन ये लोग नहीं दे पाया। और दूसरा DTTC में जो आया दूसरा प्रोडक्ट जो है मेरा ऑटोमेटिक वो लोग रिफ्यूसेड दिखा रहा है, इसीलिए मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि ये भी नहीं आएगा, इसीलिए मैंने इसको कैंसिल कर दिया। ये हॉर्लिक्स था जो मैंने इसको जो है रिटर्न कर दिया, और मेरा कैशबैक भी मिल गया मेरा वॉलेट में, धोनी का जो वॉलेट है उसमें मिल गया। तो दोस्तों आप जो है अगर कोई भी सामान आपको भेजना हो तो कोई ऐसा कोरियर चूज़ करें जो आपका जो सामान है वो सही जगह पर जाके पहुंच जाए, ऐसा ना हो कि रास्ता में उन लोग को 3 महीना लग जाए, और उसके बाद जो सामान आप भेज रहे हो, सामान आप जिसको भेज रहे हो उसको मिले ना मिले उसका कोई गारंटी नहीं होता है। ये DTTC कुरियर में अगर आप भेजते हो तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि आपका सामान जाएगा, पहुंच जाएगा सही जगह में, जो है पहुंच जाएगा जिसको आप भेज रहे हो उसके पास पहुंच जाएगा। तो ये आप सोच समझ के आप भेजिए, और कोई डॉक्यूमेंट वगैरह इमरजेंसी ये सब चीज़ तो DTTC कुरियर में बिल्कुल ही ना भेजें, क्योंकि हो सकते हैं कि आप भेज दिया ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी को, हो सकता है वो आपको रास्ता में खो जाए, फिर DTTC वाला कुरियर बोलेगा कि ये सामान इधर पड़ा है, हम लोगों को तो मिला नहीं, इधर भी नहीं उधर भी, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये बात जो है आप सोच लीजिए,
और सोच समझ कर ही DTDC कुरियर वाले को जो है आप कोई भी पार्सल देना हो तो आप एक बार ज़रूर सोचिए। और ये वीडियो सबके साथ जो है इसको इतना फैला दो सबके पास कि DTDC कुरियर जो है ना, आप YouTube में देखा होगा बहुत सारा कस्टमर होगा जो DTDC से पार्सल आ रहा है, कोई दे रहा है, ऐसा कुछ बहुत सारा आपको वीडियो मिल जाएगा। इसके ऊपर जो है कंप्लेंट पे कंप्लेंट, कंप्लेंट में कंप्लेंट, बहुत सारा कंप्लेंट मिलेगा आपको, कंप्लेंट ही कंप्लेंट मिलेगा। और कंप्लेंट के सिवा आपको और कुछ नहीं मिलेगा अच्छा बुरा, अच्छा ही मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा अच्छा। आप देख लीजिए YouTube में सर्च करके देख लीजिए DTDC कुरियर के बारे में, कैसा ये लोग का सर्विस है, कैसा ये लोग बिहेव करता है, कॉल सेंटर फ़ोन नहीं लगता है, जो कॉल सेंटर से जो नंबर दिया जाता है उसमें फ़ोन नहीं लगता है। ये जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो DTDC कुरियर के साथ जो है कोई सामान भेजना चाहिए नहीं चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा जो है यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना, और इसी तरह के दूसरा वीडियो भी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। नमस्कार।